कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं, जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर को कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी आरक्षियों को या सभी कर्मचारियों को, खासतौर पुलिस वालों को, एक पौष्टिक आहार के रूप में 1875 रुपये यानी 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने महोदय ने घोषणा की। अब महोदय आप एक बताइए, ये दाल है देखिए, इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, ना कुछ है ना का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं है, ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं है, ये रोटियां आप खा सकते हैं, इनको आप कभी तरह से हला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने कप्तान साहब से शिकायत नहीं करी? सबसे पहले मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, कम से कम मेरे पास 200 कॉल हैं। उसके बाद ये गन्ना वाले आए, कप्तान साहब अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले जिम करने के लिए आते हैं डेली पुलिस लाइन में, तो कप्तान साहब आए तो मैंने ऐसे करके जहन किया, साहब के सामने थाली इसी की तरह प्रस्तुत किया मैंने, कप्तान साहब ने बिना कुछ कहे ना उनसे कहा कि ये खाने के लिए क्यों परेशान है, बिना कहे अपनी जिम करके चले गए। आर आई महोदय ने वह गन्ना वालों ने मिल करके इस थाली को मैं इसमें भिजवा दिया, मैं इसमें लेकर हाथों से बोले ये खाना हम तुम्हारा दोबारा गर्म करके रोटी और सुखवा के मंगवा रहे हैं। ये थाली अंदर चली गई 1:30 बजे, आखिरकार मुझे 2:45 में थाली को लेकर के आप लोगों के बीच में बड़ी मुश्किल से भाग करके आया हूँ, वहाँ भी वो लोग मेरी वीडियो बना रहे थे। और इन लोगों का सर कहना है कि कांस्टेबल 380 मनोज कुमार को बर्खास्त करा के छोड़ेंगे। आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे, आप ये तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की खाती जा रही है।